एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए बहुत ही खुशी वाली न्यूज़ लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि पीयू के द्वार खुल चुके हैं। जी हाँ, पीयू के द्वार खुल चुके हैं। पीयू में 4 डिपार्टमेंट के छात्रों को बुलाया गया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, UIPS और डेंटल डिपार्टमेंट थे। इन डिपार्टमेंट के लेकिन इन क्लासों को वो ही स्टूडेंट लगा सकते हैं जो पीयू की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। आपको बता दें कि पहला दिन कैसा रहा पीयू में आने वाले स्टूडेंट का। पहला दिन था कि बच्चों को 3-3 मीटर की दूरी पर बिठाया गया और साथ ही साथ मास्क लगाना बहुत ज़रूरी था। और मास्क के साथ साथ बच्चों हर डिपार्टमेंट के बाहर एक सैनिटाइज की बोतल रखी हुई थी, जिससे हर बच्चे को हाथ सैनिटाइज करने थे और एक एक अपनी पर्सनल बोतल सैनिटाइज की साथ लेकर क्लास में जानी थी। और इसी के साथ साथ बच्चों आपको बता दें कि जो बच्चे क्लास लगाने जा रहे हैं ऑफलाइन, उनके पास एक अंडरटेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है जो अपने पेरेंट्स की ओर से होनी चाहिए। आपको एक बात और बता देते हैं कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाएं। बिना डोज के आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। डोज के साथ साथ आपको उसका एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिसको दिखाकर आप क्लास में एंटर ले सकते हो। लेकिन क्लासेस में 50% स्टूडेंट ही आ पाए हैं, क्योंकि कई जो अदर स्टेट में रहते हैं, जो दूर के स्टेटों में रहते हैं, उन बच्चों का मानना है कि पहले नज़दीक के पंजाब के जो चंडीगढ़ के हैं वो स्टूडेंट्स क्लास लगाएं और इसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो इस तब आएंगे। और लेकिन कई स्टूडेंट्स को ये भी हो रहा है कि अगर हॉस्टल नहीं खुले तो हम कहां पर स्टे करेंगे। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब ने एक और नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें हॉस्टल की गाइडलाइन है, हम आपको वो भी बताते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एक कमरे में एक ही छात्र को रखेगी। जी हाँ, टोटल 1500 विद्यार्थियों को बुलाएगी जो हॉस्टल में रह पाएँ, और उनको खाने के लिए एक मेस और एक कंटीन खुलेगी जिसमें आप खाना खा सकते हो। लेकिन आपको हॉस्टल में भी रूम लेने के लिए कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवानी जरूरी है, और यहाँ पर भी अपने पेरेंट्स के द्वारा अंडरटेकिंग आपको ऑफिस में सबमिट करानी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बच्चों जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी जो कंटीनें थी ये अभी नहीं खुलेंगी। इसके लिए बच्चे डिपार्टमेंट में बोल रहे हैं कि सर हमें कंटीनें खोलो, हमें खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया कि जो कंटीन्स हैं वो कब खुलेंगी, लेकिन जल्द ही इसके बारे में भी फैसला लिया जाएगा और जल्द ही पीयू का कोई नोटिस यहाँ पर इसके बारे में भी निकलेगा।